नाहन तहसील के जंगला वाला भूडू क्षेत्र में जंगल से फैली आग के कारण कई किसानों की गेहूं की फसल आग की चपेट में आ गई। इससे करीब आधा दर्जन किसानों को नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार दोपहर जंगल की आग धीरे धीरे साथ लगते किसानों के खेतों तक जा पहुंची और करीब आधा दर्जन किसानों की खेतों में खड़ी गेहूं की फसल इसकी चपेट में आ गई। आग की सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग को दी गई, साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने में की कोशिश की गई। शाम तक फायर ब्रिगेड व स्थानीय ग्रामीणों की मदद से काफी हद तक आग पर काबू भी पा लिया गया। इस बीच गौशाला में पशु भी झुलस गए। आगजनी की इस घटना से किसानों को बेहद ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों की मदद के कारण ही कई खेतों में खड़ी फसलों को बचाया जा सका। बोलो। मैं घनश्याम जंगला बूट का रहने वाला, मेरी सारी फसल अचानक जंगल में आग लगने के कारण सारी तबाह हो गई। जिसके ये कितने कितने लोगों की जमीन लगती है यहाँ पे जिसमें इतनी अग्निकांड हुआ भीषण? ये चार पांच लोगों की जमीन है जो अचानक जंगल में आग लगने से जिसकी फसल नष्ट हो गई। संत कुमार, सुरजीत, प्रदीप, घनश्याम, अच्छा बाबू राम, मोहन बाबू राम और ये शंभू राम। अच्छा जी, आपके घर को तो नहीं कोई क्षति पहुंची इससे? गौशाला जल की, पशुओं के भी, बकरियों के भी आग लगी हुआ एक दो के, उसमें वो खेत की पुड़ी जो थी वो भी नष्ट हो गई। आपकी घास की गरण, तीन चार गरने थी सारी जल के खाक होगी। अच्छा जी,